मैं प्रिया आपके साथ। केरल के मलप्पुरम जिले में रविवार को एक टूरिस्ट बोट पलटने से 18 लोगों की मौत हो गई। बोट में करीब 30 लोग सवार थे। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसा रविवार शाम 7 बजे मलप्पुरम जिले के तनूर इलाके में तुवलतीरम बीच के पास हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे केरल के खेल मंत्री वी अब्दुल रहमान ने बताया कि मृतकों में ज्यादातर बच्चे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, केरल के मलप्पुरम में नाव हादसे में लोगों की मृत्यु होने से दुखी हूं। मृतकों के परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मंत्री वी अब्दुल रहमान ने बताया कि अभी तक नाव पलटने की वजह सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बचाए गए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने हादसे पर दुख जताया है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।